गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर एसिड बेस, एसिड और बेस का जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें चार तरह की प्रिपरेशंस हैं। और प्रिपरेशंस के लिए टॉपिक आपके क्या होता है, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से जो कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में आज अपन जानेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमन साल्ट होता क्या है। कॉमन साल्ट इसका फॉर्मूला है भैया NaCl। इसे टेबल साल्ट भी बोलते हैं क्योंकि हर तरह किसी भी तरह के खाने में जो टेस्ट है वो इस कॉमन साल्ट की वजह से ही आता है। अगर आप इमेजिन करिए, अगर हमारे खाने में नमक नहीं हो, साल्ट नहीं हो, तो क्या होगा, अच्छे से अच्छा खाना भी हमें क्या लगेगा, ख़राब लगेगा। इस टेबल साल्ट में NaCl तो है ही, NaCl के साथ थोड़ी सी लिटिल बिट अमाउंट में KI भी होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तभी हमने ऐड में भी देखा है टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, कहता है ना देश का नमक जिसमें आयोडीन, और आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन होने की वजह से ये क्या होता है, आपके गोइटर जैसे जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे हमें बचाता है। तो आज हम जानेंगे कि टेबल साल्ट से कौन कौन से कंपाउंड मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जो NaCl है, NaCl का एक्वस जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं ब्राइन। मींस द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। कई बार पूछ लेते हैं एक आध नंबर का, डिफाइन ब्राइन, तो NaCl, वेन एवर NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर देन इट इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पहली मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं कॉमन साल्ट से। पहली मैन्युफैक्चरिंग है आपके सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, Na2CO3.10H2O, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, .10H2O, इसके बारे में बाद में लास्ट में बात करेंगे, .10H2O क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका नाम है, ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, Na2CO3.H2O और दूसरा Na2CO3, दो तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मीन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और Na2CO3, दो तरह से एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो वॉशिंग सोडा है इट ऑलवेज कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल इन इट विच आर नोन एज कीलेशन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होगी उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग 3-स्टेप प्रोसेस है, और जिस प्रोसेस से ये बनता है उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस, और अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, कुछ किताबों में एक स्टेप में ख़त्म कर दी है लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है भैया, अमोनिया जिसका फॉर्मूला NH3 है, अमोनिया H2O CO2, ये तीन चीज़ें ली जाती हैं शुरुआत स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में, NH3 अमोनिया, H2O वाटर और CO2। अब देखो एक ऑक्सीजन अगर इसको यहाँ मिल जाए तो ये CO3 हो गया, और एक H इसको यहाँ मिल जाए तो ये क्या हो गया, NH4 हो गया। अपन लिखेंगे क्या आगे, NH4
एच सी ओ थ्री, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्स्ट स्टेप में आपके क्या बना, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। सेकंड स्टेप में ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये आपके रिएक्शन करेगा NaCl कॉमन साल्ट से। NaCl से रिएक्शन किया तो यहाँ देखना आप NH4 और Cl आपस में कंबाइन हो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो बना क्या आपके NH4Cl प्लस बाकी सारी चीज़ ऐड कर दो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप अपन यहाँ इधर लिख देते हैं ऊपर, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल NaHCO3 के अगर अपन हीट कर दें तो आपके बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये आपका सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर हो गया थर्ड लास्ट पॉइंट पे। इसके बाद जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, सोडा एस, सोडा एस क्या होती है भैया, सोडा एस देखो सोडा एस क्या है पूछ लेते हैं कई बार, AsH, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज हीटेड देन इट रिलीज ऑल 10 वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म एस लाइक कंपाउंड। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो ये सारे के सारे अपने जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद एस राख जैसी, एस जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। रिएक्शन क्या होगी देखो, Na2CO3 डॉट 10H2 डेल्टा Na2CO3 10H2, ये आपके क्या है, सोडा एस है। अब आता है इसका यूज, सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ से आता है, नंबर वन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में इसका यूज होता है, नंबर टू परमानेंट हार्डनेस, तीन इसके अपन मेन यूज देखेंगे। देखो नंबर वन वॉशिंग सोडा नाम है तो लॉन्ड्री में इसका यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है, परमानेंट हार्डनेस किसकी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का काम आता है। तीसरा ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, तीन इसके यूज हैं। हालांकि डायरेक्ट आपके यूज कोई नहीं पूछेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोडा एस ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, इसका प्रिपरेशन सोडियम कार्बोनेट से ही होगा। देखो Na2CO3H2O प्लस CO2, उस रिएक्शन को जो पहले फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन लिखी थी उसी को अपन क्या लिख रहे हैं, बैग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये NaHCO3 बन गया। ये भी सॉल्वे प्रोसेस से ही बनता है। इसका यूज, यूज नंबर वन फ्रूट साल्ट में इसका यूज होता है, एंटासिड इनो का मेन कंपोनेंट होता है, नंबर थ्री
बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये दूसरा था NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बनेगा कैसे? एन एवर Na2CO3 इज हीटेड विद H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3। यूज फ्रूट साल्ट में, एंटासिड जस्ट लाइक इनो जैसे एंटासिड है उनमें यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपके थर्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भैया इसका फॉर्मूला है CaO Cl2 नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जैसे मैं बात करूं, बनेगा कैसे? तो बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की रिएक्शन से। देखो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, या फिर यूँ भी लिख सकते हो आप, अगर रटना है तो यूँ लिख लो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर रिएक्शन कराओ Cl2 की, क्लोरीन की, और यहाँ भी लिख सकते हैं अपन Cl2 की। तो इसमें से क्या करना है आपको, H2O अलग कर दो भैया सिर्फ, और बाकी सारी चीज़ क्या कर दो, ऐड कर दो CaO Cl2 प्लस H2O प्लस H2O, ये आपके बन गया ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज़ कहाँ होता है? पेपर इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में, बहुत सारे इसके यूज होते हैं। थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, फोर्थ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हमेशा आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो आपको इस चैप्टर में से मिलेगा ही, वो क्या है आपके POP, बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैन्युफैक्चरिंग इसकी जिप्सम, देखना CaSO4.2H2O, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। व्हेन जिप्सम इज हीटेड देन इट फॉर्म POP CO4SO4.5H2O प्लस रेस्ट, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ POP। और POP बनेगा कैसे? व्हेन जिप्सम इज हीटेड देन इट फॉर्म POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका जिप्सम का नाम, सॉरी POP का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब बात आती है इसके यूज क्या क्या हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी POP के। नंबर वन है वाइट सीमेंट बनाने में, नंबर टू जॉइनिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, टूटी हड्डियां जोड़ने में, डॉक्टर पट्टा चढ़ाता है ना, POP का ही होता है। तीसरा मिनिएचर बनाने में, चौथा बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में इसका यूज होता है कई बार। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं POP का, POP से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ कैप्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, अगर मॉइस्चर प्रूफ नहीं हो तो क्या होगा? तो देखो, मॉइस्चर प्रूफ रहेगा तो ये इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा,
H2O के फॉर्म में रहेगा POP, लेकिन वेन एवर इट विल एक्सपोज इन मॉइस्चर तो क्या होगा भैया, ये वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम में चेंज हो जाएगा, टफ। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, ये चारों मैन्युफैक्चरिंग थी। इन चारों मैन्युफैक्चरिंग में से बोर्ड में एक ना एक मैन्युफैक्चरिंग आपको ज़रूर मिलेगी इस साल 2021 और 22 वाले एग्ज़ाम में। इसलिए इसके बाद एक चीज़ लास्ट में है, कई जगह जैसे अपन बात कर रहे थे यहाँ पे Na2CO3 डॉट NH2O COSO4 डॉट 2H2O, ये 2 10H2O 2H2O, जब अपन सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं तो वहाँ पानी तो दिखाई नहीं देता है, कैल जिप्सम को भी देखते हैं तो भी पानी नहीं दिखाई देता है, लेकिन फॉर्मूले में डॉट 10H2O आ रहा है, यहाँ भी 2H2O आ रहा है, तो ऐसा क्यों है ऐसा। और इसे जैसे और भी बात करें अपन, देखो और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं CuSO4 डॉट 5H2O, ठीक है। अब ये डॉट 10H2 दिखाई तो नहीं देता है भैया, तो कि क्या है बेसिकली, दे दिस टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल पानी के साथ ही रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के साथ ही अंदर रहते हैं, दे आर ऑल, इसको बोलते हैं कीलेशन वाटर। इस कीलेशन वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी में कोई यूज नहीं होता है, केमिकल प्रॉपर्टी नो यूज, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका यूज होता है, यानी कि जैसे अपन इसको गर्म करें तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाता है। फिटकरी जैसे अपन गर्म करते हैं, फिटकरी का जैसे फॉर्मूला है देखो, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O, यहाँ 24H2O कीलेशन वाटर के फॉर्म में है, लेकिन अपन प्रूव कैसे करें कि हाँ भैया इसमें 24H2O है। तो फिटकरी अपन गर्म करते हैं तो फिटकरी गर्म करने में फूल क्यों जाती है, क्योंकि जो पानी है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ वाटर इज ऑलवेज यूज एज अ वाटर ऑफ, दिस टाइप ऑफ वाटर इज ऑलवेज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कीलेशन वाटर। इट इज़ नॉट यूज इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट इट इज़ यूज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि कहीं कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है इस चैप्टर में से यहाँ से, लेकिन दे रखा है तो अपना काम बनता है कि अपन इस चीज़ को जाने। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी और बात, मेरे स्कूल के स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा और भी कोई अगर स्टूडेंट को ये वीडियो मेरा अप्रोच करता है, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे ऐसे सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताएँ। हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑलवेज अप्रिसिएटेड बाई मी। और भाषा का जो स्तर है उसका, भाषा का जो चयन का स्तर है वो बनाए रखें, क्योंकि अपन क्या है, पढ़े लिखी फ्रेटर्निटी में आते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन अनपढ़ हों और जाहिल हों, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं कमेंट। तो भाषा के जो शब्दों का चयन है वो अच्छे तरीके से करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।